गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फोर का साइंस पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर हम लोग का उसमें है प्लांट द फूड रिसोर्सेस। जिस चैप्टर में शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर में होने वाले जो वर्ड मीनिंग है उसको याद कर लेंगे हम लोग। आप लोग एक कॉपी बनाइए स्कूल का और उसमें वर्ड मीनिंग लिख दीजिए। और स्टूडेंट्स, अब हर दिन जो है अब हम लोग को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट अब शुरू होते चल जाएगा। तो आप लोग को यही है कि आप लोग बुक जो है ना, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है बुक को आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये वैश्विक महामारी चलेगा तब तक हम लोग अपना पढ़ाई का जो सिलसिला है वो बाधित ना करते हुए किसी ना किसी माध्यम में चलेंगे ही चलेंगे। तो आप लोग को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मतलब मैथ का, कभी साइंस का, फिर इंग्लिश हो गया, जीके, मॉरल साइंस, SST, हिंदी, जो भी है, मतलब आपको जाते रहेगा। तो अब आप लोग को बुक खरीद लेना है जिससे वजह से आपको पढ़ाई में किसी तरह का कठिनाई होगा नहीं। और हम लोग भी जहाँ तक होंगे मतलब पढ़ाने के साथ साथ उसका फोटो तो हम लोग क्लिक करके सेंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन बुक पास में होने से ज़्यादा आराम होगा पढ़ने में। बात समझ रहे? ये ऑनलाइन तो एक माध्यम है जिसके वजह से आपका पढ़ाई बाधित ना हो। बात समझ रहे? तो जैसे ही अगर ये महामारी समाप्त होता है तो फिर से पुनः विद्यालय हमारा खुलेगा और हम लोग इसको विधिवत रूप से फिर से पढ़ेंगे। तो ये जो भी वर्ड मीनिंग है थोड़ा सा हम इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा किसका क्या है। थोड़ा सा हम इसको दिखा देते हैं कहाँ तक है ये, ठीक है ना। अच्छे से कॉपी में इसको उतार लीजिए और याद कर लीजिए, फिर धीरे धीरे इसको लिख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बुक स्टडी। सो स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, हम लोग का जो चैप्टर है वो कहता है कि प्लांट द फूड प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस मतलब फूड को बनाता है, यानी अपने से। यानी प्लांट इकलौता ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बना रहा है बिना किसी पर डिपेंड किए हुए। कहते हैं कि जिस प्रोसेस से प्लांट अपने फूड का प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे फूड फूड को प्रिपेयर कर रहा है, प्लांट है जो फूड को बना रहा है, किसके लिए? हम लोग के लिए। तो इससे एक बात और है कि प्लांट जो है, प्लांट में बेसिकली तीन पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं, दूसरा जो पार्ट होता है उसको स्टेम बोलते हैं, तीसरा जो पार्ट होता है उसको लीफ बोलते हैं, बेसिकली, ठीक है। लेकिन देखते हैं चैप्टर पढ़ते और सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला कहता है कि वी आर सराउंडेड बाय अ ग्रीन प्लांट। हम लोग जो है ग्रीन प्लांट मतलब कि हमारे चारों तरफ जितना भी है सब क्या है? ग्रीन ही प्लांट है। तो हम लोग ग्रीन प्लांट से चारों तरफ क्या है? घिरे हुए। हमारे आसपास जो भी है सब पेड़ पौधे, सब हरे पेड़ पौधे, क्योंकि प्लांट का कलर ही क्या होता है? ग्रीन होता है। कहता है कि मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम द प्लांट। जो भी फूड, ज्यादातर जितने भी भोजन, जो भी खाना है जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो कहां से प्राप्त कर रहे हैं बाबू? प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि अगर चावल, राइस, चावल का बात कर, कम फ्रॉम द पैडी। पैडी, पैडी का मतलब चावल, तो वर्ड मीनिंग में सुधार लीजिएगा कि पैडी का मतलब चावल तो होता ही, लेकिन पैडी का मतलब ऐसे धान होता है। वर्ड मीनिंग में सुधार लीजिएगा आप लोग। पैडी का मतलब क्या होता है? धान, धान कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो चावल है वो कहां से आता है? धान से आता है। तो धान कहां से ग्रो होता भाई? तो वो खेती होता है तो प्लांट से ही ग्रो हो रहा है। कहता है कि वी गेट डिफरेंट फ्रूट फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट। हम लोग अलग अलग तरह का फल जो है वो अलग अलग तरह के किससे? प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इवन द वेजिटेबल वी ईट कम फ्रॉम द प्लांट। जो भी हम लोग सब्जी खा रहे हैं वो भी कहां से प्राप्त होता है? हम लोग को प्लांट से ही प्राप्त होता है। वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कर रहा है, वही प्रोसेस से हम लोग को फल भी मिल रहा है, वही प्रोसेस से हम लोग को अनाज भी मिल रहा है, और सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस से हम लोग को क्या मिल रहा है? वेजिटेबल भी मिल रहा है। कहता है कि एनिमल ऑल्सो गिव अस फूड। जो भी जानवर, उनसे भी हम लोग को फूड मिलता है। तो एक्चुअली वो मिलता नहीं है, हम लोग उसको बना लेते हैं,
बेसिकली देखा जाए तो कोई भी एनिमल से वो दूध दे सकते हैं, इसके अलावा खाने के लिए वो कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग बोलते ना, हम तो ओकरे खाएंगे जो दूध देता है, तो हमने बकरिये खाते, दूधवा कम पिएंगे लेकिन बकरी सब खाएगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्लांट भी क्या है, हम लोग को फूड प्रोवाइड करता है। बट फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट फूड, सवाल है कि प्लांट फूड देता कहाँ से, कहाँ से देता है। कहता है कि प्लांट ऑल्सो डिपेंड द प्लांट सॉरी एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स। जानवर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? प्लांट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? किस पे? प्लांट पे। और अदर एनिमल्स फॉर फूड, और कोई भी और अदर एनिमल्स है किसके लिए करते भाई? तो फूड के लिए, ताकि हम लोग को क्या मिल सके? खाना मिल सके। ठीक है? कहता है देन द क्वेश्चन एराइज, जब यहां से एक प्रश्न निकलता है, एराइज का मतलब निकलना है, एराइज फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट देयर फूड, प्लांट अब फूड अपना कहां से लेता, कहां से प्राप्त करता, कैसे प्राप्त करता है? ठीक ना? फ्रॉम वेयर द प्लांट गेट द फूड। कहता है कि द ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। यहां से क्वेश्चन निकलता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। तो वहां क्या होगा? द ग्रीन लीव्स इज द किचन ऑफ द प्लांट। ठीक ना? रसोई घर, किचन और रसोई घर, यानी प्लांट का रसोई घर किसको बोलते हैं? तो वो है लिप्स को। द प्लांट प्रिपेयर फूड इन लिप्स फॉर होल सॉरी सॉरी कहता है कि जस्ट एज योर, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां है, कहां गया, यहां, जस्ट जस्ट एज योर मॉम प्रिपेयर द फूड फॉर योर किचन। जैसे कि हम लोग की माँ जो है वो जैसे किचन में खाना बनाती है, जिस तरह से खाना बनाती है, डैट द प्लांट प्रिपेयर द फूड टू होल प्लांट, उसी तरह से लिप्स जो है, प्लांट जो है, प्लांट का जो लिप्स है वो पूरे प्लांट के लिए लिप्स में खाना बनाती है। बट वाट आर द वाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ देयर फूड, मतलब कि ये फूड बनाने के लिए किन किन चीजों की सामग्री चाहिए, क्या क्या चीज हम लोग को चाहिए। हाँ, क्या क्या चीज चाहिए हम लोग को? ठीक ना? फ्रॉम वेयर वी गेट, और वो हम लोग को कहाँ मिलेगा? तो हम लोग यही सब के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग को, कि प्लांट फूड कैसे बनाता है, कैसे प्रिपेयर करता है, क्या क्या जरूरी तत्व चाहिए प्लांट को फूड को बनाने के लिए। तो यही सब चीज के बारे में हम लोग स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट के पार्ट के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इधर एक पिक्चर है, उसका भी नजारा ले लीजिए, देख रहे हैं? ये कहता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वो जमीन के नीचे से पानी, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। वो प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का भी एक इंपॉर्टेंस होता है, जो जमीन के नीचे से, ये रूट पार्ट से होते हुए शूट पार्ट की तरफ ये जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना ही है। तो यहां देखिएगा प्लांट के, फिर वापस आते हैं, प्लांट के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं? रूट। रूट के बारे में कहता है कि द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट जो है वो क्या है? प्लांट का पार्ट है। विच ग्रो इन द सॉइल, जो कहां ग्रो कर रहा है बाबू? सॉइल में ग्रो कर रहा है। रूट्स हेल्प इन फिक्सिंग द प्लांट टू द सॉइल, रूट जो है ये सॉइल में फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्स, फिक्स मतलब होता है एक जगह हो गया, फिक्स हो गया। बिसाइड द रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे कि जिस मिट्टी में हम उसको लगा दिए पौधे को, वहीं से वो पानी को और वहीं से वो सॉइल को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन कर रहा है बाबू? रूट कर रहा है। किसका रूट है? तो प्लांट का रूट है। दे आर देन कैरी टू द स्टेम, और वहां से वो कैरी करके किसको देता है? स्टेम को। यानी पूरा बात क्या हुआ रूट का? रूट कहां फिक्स हुआ? सॉइल में। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या कर रहा है? मिनरल्स कर रहा है। क्या दे रहा है? तो स्टेम को दे रहा है। किसको दे रहा है वाटर? तो स्टेम को दे रहा है। अगर हम बात करते हैं स्टेम का, तो स्टेम कहता है कि द स्टेम बियर अ फ्लावर,
द स्टेम बियर फ्लावर। स्टेम क्या कर रहा है? अपने पास, बियर मतलब होता है रखना, तो स्टेम जो है अपने पास क्या रखता है बाबू? फ्लावर रखता है। क्या रखता है? फ्लावर। कहता है फ्रूट एंड लिप्स, इसके साथ साथ वो फ्रूट को भी रखता है और लिप्स को भी रखता है। किसको किसको? फ्रूट को और लिप्स को। कहता है कि इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो स्टेम है, हाँ ये याद रखना, यही वो ऐसा नमूना है, यही वो पार्ट है प्लांट का जो सप्लाई करता है वाटर को हर पार्ट में। प्लांट का जितना भी पार्ट है, जो भी पार्ट है, ये सारे पार्ट को ये वाटर सप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। अब यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम। तो वहां बोला है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। वो सभी प्लांट के पार्ट को क्या सप्लाई कर रहा है? वाटर सप्लाई कर रहा है। अगला जो पार्ट आता है जिसको हम लोग लीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीफ। लीफ के बारे में कहता है लीफ इज डाइवर्स इन साइज। लीफ इन डाइवर्स इन साइज। साइज में क्या होता है? गुंबदाकार बोलते हैं उसको, साइज शेप। एंड इट रिस्पेक्ट द वेरियस अदर कैरेक्टर। इसके पास अलग अलग तरह का क्या है? कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग द नेचर, द ब्लेड मार्जिन। मतलब इसका जो मार्जिन होता है वो क्या है? ब्लेड की तरह का। देखिए पत्ता में किनारे किनारे जो मार्जिन, जिस तरह ब्लेड में मार्जिन होता है ना, तो उसी तरह से उसमें भी एक मार्जिन होता है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ वेन। और इसके अंदर जब पत्ता को ऐसे पलट के देखिएगा ना, तो उसमें एक धारी 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 पूरा मिलेगा। बस समझे? तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक ना? फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीफ से ही कंटिन्यू करेंगे। क्या आखिर हम लोग को ये पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में कि भाई लीफ कैसे, अभी हम लोग किचन के बारे में पढ़े कि लीफ क्या है, किचन है, तो इसका तो इम्पोर्टेंट रोल है ना, तो इसके बारे में स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से बुक ले लीजिए, ठीक ना? और ताकि हम लोग को पढ़ने में मजा आए, एकदम जम के पढ़ें, और एकदम पढ़ के एकदम दिखाना है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप लोग दिखाते हैं तो हम लोग को उससे एनर्जी मिलता है। मैथ हो गया, आपके पांडे सर मैथ भेज रहे हैं, साइंस हो जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट जाएगा, तो दिखाने से क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि नहीं चलो बच्चा पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा और अच्छे से बनाए, और अच्छे से बनाए। इसे आप छोड़िए ना, हम लोग की बात में, घर में भी देख लीजिए कि जैसे कि अगर संतान नहीं पढ़ता, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो माँ बाप को भी सोचे कहला एक पैसा खर्च करना रह दे से। तो इसीलिए पढ़िए और बुक खरीद लीजिए ताकि जम के हम लोग पढ़ सके, ठीक ना? मतलब हम लोग को अंतर ही नहीं पढ़ना चाहिए कि मतलब किसी तरह का मतलब लॉकडाउन या विद्यालय बंद भी है, बस मेरे तो एकदम बुक खरीद लीजिए और अच्छे से पढ़िए, आप लोग पूरा स्टडी कर लीजिए और एकदम याद करके हमको सुनाना है एकदम, ठीक ना? चलिए, धन्यवाद।